हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भाटिया बीजल। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे आप सब। हम आज आईब्रो थ्रेडिंग करने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी गनी और ग्रोथ ज़्यादा है इनकी आईब्रो का। तो देखिए कितने सारे हेयर हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले टेलकम पाउडर के अप्लाई किया है और कैंची की मदद से जो एक्स्ट्रा लॉन्ग हेयर है उसको कट कर लिया है आईब्रो के शेप में। तो यहाँ पे हम राइट साइड की आईब्रो जो है राइट साइड की वो फर्स्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आईब्रो के अपर का जो शेप है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं, आईब्रो के टॉप में शेप दे रहे हैं। तो देखिए इस तरह से शेप को देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में से थोड़ी सी गैप है, हेयर थोड़े से कम है। तो देखिए किस तरह से शेप दे रहे हैं। यहाँ पे हमने आर्च शेप थोड़ा सा दिया है ऊपर से। और देखिए यहाँ पे जो बॉटम में हम थोड़े थोड़े करके हेयर निकालेंगे इस तरह से, ताकि दर्द ना हो इनको ज़्यादा। देखिए बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है हेयर का, तो कम कम क्वांटिटी में हम हेयर को निकालेंगे इस तरह से। तो देखिए दो तीन हेयर को आपके जो कैंची बनाई है धागे की थ्रेडिंग की उसमें हम फंसाएंगे और इसी तरह से आपको रिमूव करना है अपोजिट साइड में खींच के, हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में आपको हेयर को इस तरह से फंसा के निकाल देना होता है इसमें से। देखिए टाइट स्किन कराएंगे, कस्टमर को बोलेंगे कि टाइट इस तरह से करे, ऊपर से नीचे से टाइट स्किन को पकड़े और इसके बाद ही देखिए आप इस तरह से निकाल दीजिएगा हेयर को फंसा के। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और जो बिगिनर्स है उसके साथ शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि उनको भी ये कुछ देख सके और सीख सके। देखिए इस तरह से हम चेक कर लेंगे और फिर हेयर को जहाँ से लगता है वहाँ से थोड़ा सा और फंसा के रिमूव कर लेंगे, शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी राइट साइड की आईब्रो जो है वो बनके तैयार है, रेडी है। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा लग रहा है आपको, तो वो आप कैंची की मदद से शेप में यहाँ पे कर लीजिएगा, देख लीजिए इस तरह से। और आप जो एक्स्ट्रा हेयर चिपके हुए हैं उसको हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे और देखिए कितना अच्छा वाव लुक आया है यहाँ पे हमारी जो आईब्रो है उसका। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हम लेफ्ट साइड की आईब्रो बना रहे हैं। तो देखिए इसी तरह से आपको बनानी है। सबसे पहले आपका आईब्रो के टॉप के जो शेप है वो पहले क्रिएट कर लेना है और उसके बाद आपको आईब्रो की बॉटम का जो शेप है वो क्रिएट करना है। देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पे भी इस तरह से आर्च शेप हम क्रिएट कर लेंगे। और देखिए थोड़ी सी
थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा घनी आईब्रो है इनकी, तो देखिए। और इनको मोटी आईब्रो पसंद नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे उनकी आईब्रो थोड़ी सी थीन बनाई है। देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े हेयर निकालेंगे। देखिए धागे की आपको 4 से 5 आंटी बनानी है। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी आंटी लगी है हमारे धागे में। और देखिए इस तरह से हमने बताया है आपको बहुत ही नज़दीक से कि किस तरह से आपको हेयर को रिमूव करना है। देखिए बहुत ही यहाँ पे सॉफ्ट स्किन होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के करेंगे अगर आप सीख रहे हैं तो। देखिए बहुत ही ध्यान रख के करना पड़ता है यहाँ पे काम हमें, कि स्किन ना जाए आपके धागे में और आपके कस्टमर को बोलेंगे कि वो इस तरह से पकड़े रखे टाइट, क्योंकि कुछ कस्टमर होते हैं वो बीच बीच में हाथ छोड़ देते हैं और पकड़ते नहीं हैं कंटिन्यूसली, तो स्किन आने का डर होता है। तो अगर ऐसा करते हैं आपके कस्टमर तो थोड़ा सा बीच में रुक जाइए, उनको बोलिए कि उस थोड़ी देर के बाद स्किन को पकड़े टाइट और फिर आप शेप देना स्टार्ट कीजिए उसमें। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम शेप क्रिएट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे अभी भी थोड़ी सी हमें दिख रही है ज़्यादा, तो हम थोड़ी सी पतली कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए और फ्रेंड्स आप हमारी ऐसी और भी वीडियोस को देख सकते हैं हमारी चैनल पे, बहुत सारी ऐसी अलग अलग शेप की आईब्रो थ्रेडिंग की वीडियोस हमने डाली हुई है, अपलोड की हुई है। और आप हमारे दूसरे चैनल है रीटा भाटिया, वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये कि आप हमारी वीडियोस देखें और सीखें कि किस तरह से आईब्रो करते हैं हम और शेप देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को लेफ्ट साइड की आईब्रो बनाने में दिक्कत होती है, तो देखिए हम चेयर के पीछे खड़े रह के इस तरह से आईब्रो बनाते हैं। और यहाँ पे हम ग्लाबिला थ्रेडिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी जो आईब्रो दोनों आईब्रो के बीच की जो गैप है वो ज़्यादा कम ना हो जाए और इक्वली रहे। तो देखिए इस तरह से आपको देख के करना पड़ता है आईब्रोज़ को। देखिए यहाँ पे हमारी जो आईब्रोज़ है वो बन के बिल्कुल ही रेडी है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लुक आया है। और प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।